हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर द रॉकिंग हॉर्स विनर, वोवन वर्ड्स बुक, ग्रेड 11 से। देयर वाज अ वुमन हु वाज ब्यूटीफुल, हु स्टार्टेड विद ऑल द एडवांटेजेस, येट शी हैड नो लक। एक लेडी थी जो देखने में सुंदर थी, सब सुख सुविधाओं से संपन्न थी, लेकिन तभी कहने को उनके पास उनका खुद का एक लक नहीं था, यानी अपने आप को वो अच्छी किस्मत वाली नहीं समझती थी। She married for love and love turned to dust। उन्होंने प्यार के लिए शादी करी, पर वही प्यार जो है बाद में धूल में मिल गया। यानी प्यार उनको एक तरह से लग रहा था कि खत्म सा हो गया है। She had bonny children, yet she felt they had been thrust upon her and she could not love them। उनके जो बच्चे थे वो बहुत सुंदर थे, लेकिन तब भी उनको ऐसा लगता था जैसे मानो वो बच्चे उनके लिए बोझ हैं और वो उनको प्यार नहीं कर पाती थी। या जैसे होता है ना कि जबरदस्ती मेरे पे बच्चे लादे गए हैं और वो तभी उनको जो है खुल के दिल से प्यार नहीं दे पाती थी। They looked at her coldly as if they were finding fault with her। वो उसकी तरफ जो है अपनी मदर की तरफ इस तरह से देखते थे जैसे मानो वो उनमें कोई गलती ढूंढ रहे हो। एंड हरीडली शी फेल्ट दैट शी मस्ट कवर अप सम फॉल्ट इन हरसेल्फ। और बहुत जल्दी उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उनको अपने अंदर की ये जो कमी है इसे खत्म करना होगा या इसे कवर अप करना होगा, ढकना होगा। Yet what it was she must cover up she never knew। पर वो कमी क्या थी उसे खुद नहीं पता था, किस चीज को वो कवर करके ढकना चाहती हैं, अपनी कौन सी ऐसी कमी है जिसको वो ढकना चाहती हैं। Nevertheless when her children were present she always felt the center of her heart go hard। जब भी बच्चे आसपास कहीं प्रेजेंट होते थे, उसके सामने होते थे, तो जैसे उनका दिल जो है वो कठोर हो जाता था। This troubled her and in her manner she was all the more gentle and anxious for her children as if she loved them very much। इससे क्या होता था, उनको खुद को परेशानी होती थी और इसी वजह से वो उनसे और ज्यादा दयालु तरीके से या उनसे और ज्यादा चिंतित तरीके से होकर बात करती थी। ये दिखाने की कोशिश करती थी कि जैसे मानो वो उनको बहुत प्यार करती है, उनको जैसे कि ना मदर का जो अफेक्शन होता है वो नेचुरल होता है, लेकिन उनको दिखाना पड़ता था क्योंकि जब भी बच्चे सामने आते थे उनका दिल कठोर हो जाता था। Only she herself knew that at the center of her heart was a hard little place that could not feel love, no, not for anybody। वो खुद ही शायद जानती थी कि उनके दिल के कोने में या उनमें का जो दिल है उसमें एक ऐसी जगह है जहां पर उनका दिल कठोर हो जाता है, जिसकी वजह से किसी के लिए भी उनको प्यार नहीं उनके दिल से निकलता है। Everybody else said of her, she is such a good mother, she adores her children। बाकी जब लोग बाहर देखते थे तो वो कहते थे, अरे देखो कितनी अच्छी मदर हैं, अपने बच्चों का कितना ख्याल रखती हैं, कितना प्यार करती हैं। Only she herself and her children themselves knew it was not so। बस खाली वो और उनके बच्चे ही जानते थे कि ये बात सच नहीं है। They read it in each other's eyes। और वो जो हैं एक दूसरों की आंखों में जो हैं ये बात देखकर आसानी से समझ सकते थे। There was a boy and two little girls। एक लड़का था और दो लड़कियां थी। They lived in a pleasant house with a garden and they had discreet servants and felt themselves superior to anyone in the neighborhood। ये जो लेडी थी, इनके एक लड़का दो लड़कियां थी, एक अच्छे बड़े घर में रहते थे, आगे बाहर जो है गार्डन था, समझदार इनके नौकर थे और ये जो नेबरहुड में जितने भी लोग रहते थे उनसे काफी मतलब सुपीरियर समझते थे अपने को। Although they lived in style, they felt always an anxiety in the house। There was never enough money। भले ही ये लोग जो हैं कितना स्टाइल में रहते हों, अच्छे तरीके से रहते हों, लेकिन तब भी जो है इनके घर में एक अलग सी चिंता टाइप की बनी रहती थी, एक ऐसी नर्वसनेस टाइप की बनी रहती थी जो इनको बताती थी कि या इनको हमेशा ऐसा लगता रहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बहुत पैसा नहीं है। The mother had a small income and father had a small income, but not nearly enough for the social position which they had to keep up। जो मदर थी उनकी भी बहुत थोड़ी सी इनकम आती थी, फादर की भी बहुत थोड़ी सी इनकम आती थी, लेकिन उनको ऐसा लगता था कि ये जो हम अपनी एक पोजीशन है समाज में, जो अपनी पोजीशन है उसे मेंटेन करने के लिए ये जो पैसा है ये काफी नहीं है। द फादर वेंट इनटू द टाउन टू सम ऑफिस। फादर जो है टाउन में जाके किसी ऑफिस में काम करते थे। बट दो ही हैड गुड प्रोस्पेक्ट्स, दीज प्रोस्पेक्ट्स नेवर मटेरियलाइज्ड। उनकी
जो वो काम करते थे उससे आगे का उनका फ्यूचर अच्छा था, काम करने में उनको फायदा होता था, लेकिन उनके कभी ये जो फायदे थे, ये जो प्रोस्पेक्ट्स थे, ये मैटेरियलाइज नहीं होते थे, मतलब होते नहीं थे। उन्हें लगता था कि हाँ अच्छा होगा, पर वो अच्छा हो नहीं पाता था। देयर वॉज ऑलवेज द ग्राइंडिंग सेंस ऑफ शॉर्टेज ऑफ मनी, दो द स्टाइल वॉज ऑलवेज कैप्टन। हमेशा घर में एक यही बात रहती थी, पैसे की कमी है, जबकि वो जो अपना स्टाइल वगैरह है उसे प्रॉपरली पूरा मेंटेन करके रखते थे। फिर भी उनको हमेशा एक दिमाग में रहता था कि हमारे घर में उतना पैसा नहीं है जितना होना चाहिए। एट लास्ट द मदर सेड, आई विल सी इफ आई कांट मेक समथिंग, बट शी डिडंट नो वेयर टू बिगिन। फाइनली उनकी मदर ने कहा कि मैं देखती हूँ कि मैं क्यों नहीं कुछ कर सकती, पर उन्हें खुद को नहीं पता था। She did not know where to begin, कहां से शुरुआत करें। She racked her brains and tried this thing and the other, but could not find anything successful. उन्होंने जैसे दिमाग लगा के कभी ये शुरू किया, कभी दूसरी चीज शुरू करी, लेकिन कभी भी उनको किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिली। The failure made deep lines come into her face. अब कहते हैं ना कि जब आप किसी चीज को कर रहे हो, आपको उसमें अगर सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आपके चेहरे पे चिंता की लकीरें दिखाई देने लगती हैं। वही चीज उस लेडी के साथ हो रही थी। Her children were growing up, they would have to go to school. बच्चे बड़े हो रहे थे, अब उनको स्कूल भी जाना था। They must be more money, इसलिए जो है और ज्यादा पैसा चाहिए था। There must be more money, और ज्यादा पैसा होना चाहिए घर में। The father, who was always very handsome and expensive in his days, seems as if he had never would be able to do anything worth doing. अभी तक जो उनके फादर थे, जो देखने में इतने हैंडसम थे और अच्छी ब्रांडेड चीजों को लाइक करते थे, मतलब जो भी चीजें खरीदते थे महंगे थे, एक उनके जैसे कहती है ना अच्छे महंगे टेस्ट को वो लाइक करते थे, अब ऐसा लग रहा था जैसे वो जो हैं किसी भी काम को काबिल करने के काबिल नहीं रह गए हैं। एंड द मदर हु हैड अ ग्रेट बिलीव इन हरसेल्फ डिड नॉट सक्सीड एनी बेटर एंड हर टेस्ट वाज जस्ट एज एक्सपेंसिव। और जो मदर थी उनको भी अपने आप में बहुत भरोसा था, लेकिन वो जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन तब भी उनके भी जो टेस्ट थे, उनके जो शौक थे, वो काफी महंगे थे। एंड सो द हाउस केम टू बी हॉन्टेड बाय द अनस्पोकन फ्रेज, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। जैसे होता है ना, पूरे घर में एक अजब सा माहौल होता है, एक हर वक्त आपको घर में एक ऐसी फीलिंग आती रहती है, कोई कह नहीं रहा पर फीलिंग क्या है सबके मन में, और पैसा होना चाहिए, और पैसा होना चाहिए। The children could hear it all the time, though nobody said it aloud. बच्चों के भी कान में ऐसे ही एक आवाज घूमती रहती थी हर वक्त, जबकि उसे कोई कहता नहीं था, पर घर का माहौल ऐसा था कि हर किसी को यह फील होता रहता था कि और पैसा चाहिए। They heard it at Christmas when expensive and splendid toys filled the nursery. उन्होंने ये बात क्रिसमस पे भी सुनी, जब उनकी जो नर्सरी थी उसमें बहुत महंगे महंगे और अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के टॉयज आ गए थे। बिहाइंड द शाइनिंग मॉडर्न रॉकिंग हॉर्स, बिहाइंड द स्मार्ट डॉल्स हाउस, अ वॉइस वुड स्टार्ट विस्परिंग, देयर मस्ट बी मोर मनी, देयर मस्ट बी मोर मनी। एंड द चिल्ड्रन वुड स्टॉप प्लेइंग टू लिसन इट फॉर अ मोमेंट। ऐसा लगता था जैसे मानो मुझे एक चमचमाता हुआ हिलने वाला लकड़ी का जो घोड़ा है, उसका जो एक अच्छा सा डॉल हाउस है, उसके पीछे से कोई बात कर रहा, और फिर एक साउंड आने लगती थी, और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए, और बच्चे जो है एकदम से खेलते खेलते रुक जाते थे सुनने के लिए। They would look into each other's eyes to see if they had all heard. तो बच्चे जो है एक दूसरे की आंखों में देखने लगते थे कि जैसा होता है ना, मान लो मुझे ही आवाज सुनाई दी कि तुम्हें भी सुनाई दी। एंड ईच वन सॉ इन द आईज ऑफ द अदर टू दैट दे टू हैड हर्ड। और उनको भी जो है क्या कहते हैं, आपको एक दूसरे की आंखों में ऐसा लगता था जैसे ना तुमने ही नहीं मैंने भी आवाज सुनी है। There must be more money, there must be more money, मतलब और पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए। ऐसा लगता था जैसे मानो टॉयज जो हैं, वो भी जो है इस बात को सुन रहे हैं, उनको भी आवाज आ रही है। It came whispering from the springs of the still swaying rocking horse, and even the horse bending his wooden champing head heard it. ऐसा लगता था जैसे ये जो रॉकिंग हॉर्स है, ये जो है अपनी जो सिर है, उसको लकड़ी का जो सिर है उसको जब झुका रहा है, उसको भी सुनाई दे रही है। द बिग डॉल सिटिंग सो पिंक एंड स्मर्किंग इन अ न्यू प्रैम कुड हियर इट क्वाइट प्लेनली एंड सीम टू बी स्मर्किंग ऑल द मोर सेल्फ कॉन्शियसली बिकॉज ऑफ इट। अब ये जो बड़ी सी डॉल थी जो पिंक ड्रेस पहने हुए है और अपनी नई प्रैम में बैठी हुई है, उसको भी
बहुत आराम से प्लेनली सुनाई दे रही है आवाज, और ऐसा लगता है जैसे मानो वो भी और ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो गई है इसकी वजह से. द फूलिश पपी दैट टू टुक द प्लेस ऑफ द टेडी बियर, ही वॉज लुकिंग सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फूलिश फॉर नो अदर रीजन बट दैट ही हर्ड द सीक्रेट विस्पर ऑल ओवर द हाउस देयर मस्ट बी मोर मनी. और ये जो बेकार सा पपी है, फुलिश सा बेकूफ सा पपी है जिसने अब टेडी बियर की जगह ले ली है, वो और ज्यादा जो है फुलिश लग रहा है. किसी कोई रीजन नहीं है क्योंकि उसने भी जो है वो सीक्रेट विस्पर सुन लिया है घर का, क्या है कि और पैसा चाहिए. तो चाहे घर के मेंबर्स हों चाहे टॉयज हों, सबको एक हॉन्टेड होने की वजह से एक अजीब सी आवाज आती रहती थी जैसे घर में और पैसा चाहिए. येट नोबडी एवर सेड इट अलाउड, पर कभी भी आज तक किसी ने जोर से ये बात नहीं कही थी. द विस्पर वॉज एवरीवेयर एंड देयरफॉर नो वन स्पोक इट, ये जो एक फुसफुसाहट सी थी ये सब जगह थी और कोई बोलता नहीं था. जस्ट एज नो वन एवर सेज वी आर ब्रीथिंग इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट ब्रेथ इज कमिंग एंड गोइंग ऑन ऑल द टाइम, जैसे हम जब सांस लेते हैं तो कोई ये बोलता नहीं है कि हम सांस ले रहे हैं, बल्कि होता क्या है सांस पूरे समय अंदर बाहर होती रहती है. तो एक तरह से हम कह नहीं रहे चीज, पर वो पूरे दिन हमें उसकी घर में एक फीलिंग होती रहती है. मदर सेड द बॉय पॉल वन डे, व्हाई डोंट वी कीप अ कार ऑफ अवर ओन, व्हाई डू वी ऑलवेज यूज अंकल्स और एल्स अ टैक्सी. एक दिन जो उनका लड़का था पॉल, उसने अपनी मदर से कहा कि हम अपनी एक कार क्यों नहीं ले लेते, हम हमेशा अंकल की कार क्यों यूज करते हैं या फिर हम टैक्सी क्यों मंगाते हैं. बिकॉज वी आर पुअर मेंबर्स ऑफ द फैमिली सेड द मदर, तो उनकी मदर ने कहा क्योंकि हम लोग जो हैं फैमिली वाइज उतने फाइनेंशियली साउंड नहीं है, हम लोग गरीब हैं. बट व्हाई वी आर वी मदर, तो उसने पूछा कि पर ऐसा क्यों है. वेल आई सपोज शी सेड स्लोली एंड बिटरली, इट्स बिकॉज योर फादर हैज नो लक. अब उन्होंने जो है उनकी मदर ने धीरे से कहा, लेकिन इसे कड़वे बोल होते हैं, कि तुम ये इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे पापा की जो किस्मत है वो इतनी अच्छी नहीं है. द बॉय वॉज साइलेंट फॉर सम टाइम, अब वो लड़का जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो गया. इज लक मनी मदर, ही आस्क्ड रेदर टिमिडली, अब उसने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछा कि क्या लक पैसा होता है. नो पॉल नॉट क्वाइट, इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी. तो उन्होंने कहा नहीं पॉल, ये नहीं है कि लक पैसा होता है, बल्कि अगर लक होता है तो उसकी वजह से तुम्हारे पास पैसा होता है. ओह सेड पॉल वेगली, आई थॉट व्हेन अंकल ऑस्कर सेड फिल्थी लिकर इट मींस मनी. तो पॉल ने कहा अच्छा, मुझे ऐसा लगा कि जब अंकल ऑस्कर जो है कहते हैं ना फिल्थी लिक इट मींस मनी, मतलब कि वो जब इस तरह से बोलते हैं कि बेकार लग रहा, तो मुझे लगता है वो पैसे की बात कह रहे हैं. फिल्थी लिक्रे इट डस मीन मनी सेड द मदर, बट इट्स लिक्रे नॉट लक. तो उन्होंने कहा फिल्थी लिक्रे मतलब ही मनी होता है, लेकिन वो लिक्रे है, लक नहीं. ओह सेड द बॉय देन व्हाट इज लक मदर, तो लड़के ने पूछा अच्छा तो फिर लक क्या होता है. इट्स व्हाट कॉजेज यू टू हैव मनी, तो उन्होंने बताया कि ये वो होता है जिससे तुम्हारे पास पैसा आता है. इफ यू आर लकी यू हैव द मनी, अगर तुम लकी हो तो तुम्हारे पास पैसा होगा. दैट्स व्हाई इट्स बेटर टू बी बोर्न लकी देन रिच, इसीलिए अच्छा है कि लकी पैदा हो बजाय रिच पैदा होने की. इफ यू आर रिच यू मे लॉस योर मनी, अगर तुम रिच होगे तो तुम पैसे खो भी सकते हो. बट इफ यू आर लकी यू विल ऑलवेज गेट मोर मनी, पर अगर तुम यही लकी होगे, किस्मत वाले होगे, तो तुम्हारे को हमेशा पैसा मिलता रहेगा. ओह विल यू एंड हिज फादर नॉट लकी, तो क्या आप और फादर लकी नहीं है. वेरी अनलकी आई शुड से शी सेड बिटरली, तो उन्होंने कहा फिर कड़वे बोल बोलते हुए कहा कि बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत है. द बॉय वॉच्ड हर विद अनश्योर आइज, अब बॉय को जो है ऐसा नहीं फील हो रहा था, पर वो उनकी आंखों में देखता रहा. Why he asked, पर ऐसा क्यों है. I don't know. Nobody ever knows why one person is lucky and another unlucky. तो उनकी मदर ने कहा मुझे खुद नहीं पता, कोई भी नहीं जानता कि एक इंसान लकी होता है और दूसरा अनलकी. Do they? Nobody at all. Does nobody know? ऐसा क्या, किसी को नहीं पता होता, कोई भी नहीं जानता है. Perhaps God. But he never tells. तो मदर कहती है शायद भगवान को पता हो, पर वो कभी नहीं बताएंगे. He ought to then. And aren't you lucky either, mother? तो उनका हो सकता है उनको बताना होगा. और क्या आप लकी नहीं हो मदर,
I can't be if I married an unlucky husband. तो उन्होंने कहा मेरी किस्मत कहाँ से अच्छी होगी जब मैंने शादी जो है एक अनलकी आदमी से करी है. But by yourself, aren't you? पर क्या आप खुद से लकी नहीं हो? I used to think I was before I married. Now I think I am very unlucky indeed. जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे लगता था मैं लकी हूँ, पर अब मुझे लगता है कि मैं भी काफी अनलकी हूँ. Why? क्यों? Well, never mind. Perhaps I am not really, she said. उन्होंने कहा खैर जाने दो, इस बात को छोड़ो, पर मैं वैसे इतनी अनलकी नहीं हूँ. The child looked at her to see if she meant it. अब बच्चे ने जो है उनकी आंखों में देखा जैसे मानो वो बोलना चाहता है कि हाँ वो वाकई में इस बात को मानती हैं कि वो उतनी अनलकी नहीं है. But he saw by the lines of her mouth that she was only trying to hide something from him. पर उनके चेहरे की जो लकीरें थी उनको देख कर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो जो है उनसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है.